हेलो एवरीवन, वेलकम टू StudyIQ। StudyIQ के इस वीडियो में शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति के जीके क्वेश्चंस का अभ्यास, और ये है सेट नंबर 7। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं या पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं तो हमारे पेनड्राइव कोर्स उपलब्ध हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें studyiq.com। आपको पता होगा कि जो भारत में फसल हम बोते हैं तो मुख्यतः एक खरीफ सीजन होता है और एक रबी सीजन होता है। खरीफ सीजन होता है जिसमें मुख्यतः चावल की खेती होती है, और रबी होता है जिसमें मुख्यतः गेहूं, सरसों, जौ वगैरह की खेती होती है। तो खरीफ का मतलब क्या होता है? जो खरीफ शब्द है इसका मतलब क्या होता है? खरीफ का मतलब होता है पतझड़, और रबी का मतलब होता है स्प्रिंग यानी कि वसंत। यह याद रखिए। ब्रज भाषा और खरी बोली ये किस भाषा के दो प्रकार हैं? खरी बोली और ब्रज भाषा ये प्रकार हैं हिंदी भाषा के। हिंदी, आपको बता दूं हमारे संविधान की जो 8वीं सूची है यानी 8th स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें 22 भाषाओं का वर्णन है। इनमें से कौन सा एक सिर का दर्द होता है, हेडेक, जो सिर के सिर्फ एक ही हिस्से में होता है, यानी या तो आपके दाहिने तरफ या बाएं तरफ, लेफ्ट साइड ऑफ द हेड या राइट साइड ऑफ द हेड, यूजुअली पूरे सिर में नहीं होता। ये होता है माइग्रेन का दर्द। माइग्रेन के दर्द में कुछ और सिम्टम होते हैं, जैसे ऐसा लगता है कि उल्टी आएगी, नौजिया बहुत होता है, वॉमिटिंग, या अंधेरे में बैठने का मन करता है। माइग्रेन का दर्द काफी तेज दर्द होता है और यूजुअली सर के एक ही तरफ होता है। कौन सा धर्म है जिसमें अष्टांगी का मार्ग, जिसे बोलते हैं एट फोल्ड पाथ, ये किस धर्म से संबंधित है? ये संबंधित है बुद्ध धर्म से, और भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस पाथ, इस मार्ग पर चलकर मोक्ष को पाया जा सकता है। तो 8 चीजें कौन कौन सी करने को कहते हैं भगवान बुद्ध? राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन। अगर हम ये करें तो फिर ये एनलाइटनमेंट यानी निर्वाण को हम पा सकते हैं। अगला सवाल काफी कठिन है। महाभारत में अर्जुन की कई सारी पत्नियां थी, उनकी एक पत्नी थी चित्रांगदा। चित्रांगदा ये जिस जगह की रानी थी, आज भारत का एक राज्य है उसका नाम भी वही है। तो कहां की रानी थी चित्रांगदा? ये थी मणिपुर की रानी। और अर्जुन और चित्रांगदा का एक बेटा भी था जिसका नाम था बबरू वाहना, और चित्रांगदा के जो फादर थे उनका नाम था चित्र वाहना। तो मणिपुर की रानी थी ये, और आज पूछा है कि कौन से भारत के राज्य का नाम उस किंगडम के नाम पे रखा गया है जहां पे अर्जुन की वाइफ चित्रांगदा जहां की रानी थी। हुलोक गिबन है, ये कौन से जानवर का एक स्पीशी है, एक प्रजाति है जो भारत में पाया जाता है? हुलोक गिबन है एप का एक स्पीशी, एप। इनमें से कौन सी किताब है जो एक महान व्यक्ति ने जेल में लिखी थी? कब? अप्रैल से सितंबर के जो 6 महीने का समय है 1944, ये लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने, और उस वक्त वो बंद थे अहमदनगर किले की जेल में। सो किताब का नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्हें भारत में जो तेल उद्योग है, इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, उसका फादर, उसका जनक बोला जाता है? ये कांग्रेस के नेता थे, मिनिस्टर भी रह चुके थे, सांसद थे ये डोमरियागंज उत्तर प्रदेश से। इनका नाम है केशव देव मालवीय। ये 1970s में पेट्रोलियम मिनिस्टर थे। इनमें से कौन से शहर के बारे में मार्क ट्वेन, बहुत ही बड़े लेखक थे मार्क ट्वेन, उन्होंने ये कहा, यह शहर इतिहास से भी पुराना है, परंपराओं से भी पुराना है, इतना ही नहीं जब से दुनिया शुरू हुई उससे भी लगभग दुगना पुराना है। किस शहर के बारे में यह शब्द यूज करे मार्क ट्वेन ने? यह यूज करे थे वाराणसी के बारे में, जिसको पहले बनारस कहा जाता था। तो जब उन्होंने ये शब्द यूज करे थे तब उसे बनारस कहा जाता था। भारत में इनमें से कौन सा कोर्ट का केस है जिसमें सबसे बड़ी बेंच आज तक की बैठी सुप्रीम कोर्ट की, 13 सुप्रीम कोर्ट जजेस ने मिलकर फैसला दिया था, ये कौन सा केस है? ये है केशव नंद भारती केस।
केशव नंद भारती केस, इसमें 13 जज जो थे वो बैठे थे। ये 1973 में केस खत्म हुआ था। फर्स्ट स्टॉक टिकर, सबसे पहला स्टॉक प्राइस टिकर सिस्टम जो टेलीग्राफिक प्रिंटर में जिसका इस्तेमाल होता था, ये किसने इजाद किया था? 1867 में किया था ये, और ये किया था एडवर्ड कालाहान ने। एडवर्ड कालाहान। इनमें से कौन सा खेल ऐसा है जिसमें खिलाड़ियों को दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक तो डिफेंडर यानी रक्षक और एक जो आक्रामक होते हैं यानी रेडर, दो हिस्सों में बांटा जाता है? तो ये खेल है कबड्डी। कबड्डी। इनमें से कौन सा संगठन है जो IDBI बैंक में 51% हिस्सेदारी खरीद रहा है, 51% स्टेक ऑक्यूपाई करेगा IDBI बैंक में? LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। जो VVPAT मशीन यूज होती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने VVPAT मशीन का इस्तेमाल एक व्यापक तरीके से शुरू कर दिया है हमारे चुनावों में, तो VVPAT मशीन जो है इसका इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता है? इसको बोलते हैं वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है इसकी। इसका इस्तेमाल किया जाता है वोटर्स को, जो वोट डालने वाले लोग हैं उन्हें फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए, और बाद में फिर इनकी काउंटिंग करके भी हम ये देख सकते हैं कि EVM मशीन में तो कोई फ्रॉड नहीं हुआ, क्योंकि दोनों को मैच किया जाता है। पेपर वाले भी बाद में गिनती की जाती है और EVM की गिनती तो ऑटोमेटिक होती है, तो दोनों की मैचिंग की जाती है। तो अगर कोई EVM में फ्रॉड होगा तो VVPAT मशीन उसे पकड़ लेगी। इनमें से कौन सा भारत का राज्य है जिसका क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल से ज्यादा है, यानी इसका एरिया वेस्ट बंगाल से ज्यादा है? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि भारत के राज्य जो हैं कितने बड़े हैं। सबसे बड़ा है राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर जम्मू कश्मीर। अब अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो वो 14वें नंबर पे है। इससे ज़्यादा हिस्सा है छत्तीसगढ़ का, तो पश्चिम बंगाल से ज़्यादा क्षेत्रफल है छत्तीसगढ़ का। एक सर्जरी करी जाती है, हमारे दिल को भी खून की आवश्यकता पड़ती है। हमारा जो हार्ट है वो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन उसे खुद भी ब्लड चाहिए। तो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है कोरोनरी आर्टरी, और अगर कोरोनरी आर्टरी में कोई रुकावट आ जाए तो हार्ट को ब्लड नहीं मिलता और हार्ट अटैक आ सकता है। इसके लिए जो सर्जरी करी जाती है उसको क्या बोलते हैं? कॉमन भाषा में उसको बोलते हैं बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी। इनमें से कौन सा भारत का शहर है जो पाकिस्तान के लाहौर के सबसे नज़दीक है? कौन सा इंडियन सिटी है? ये है अमृतसर। यह आपको पता होगा, अमृतसर वाघा बॉर्डर के बिल्कुल पास है, तो सिर्फ आप समझ लीजिए 28 किलोमीटर की दूरी पे है अमृतसर, पाकिस्तान के सबसे नज़दीक है ये। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है लाहौर, ये भी याद रखिए। तो अमृतसर जो है ये 1577 में जो चौथे सिख गुरु थे श्री गुरु रामदास जी, उन्होंने बसाया था अमृतसर शहर। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री बने भारत के कौन सा देश विजिट करने वाले? इससे पहले इस देश में भारत का कोई प्रधानमंत्री नहीं गया था, ये देश है इसराइल। और इसराइल जो है, भारत के संबंध इससे शुरू हुए थे 1992 में, तो 2017 में भारत ने अपने 25 साल पूरे करे एक डिप्लोमेटिक टाइज, राजनीतिक संबंध जो थे इसराइल के 25 साल पूरे हुए थे। तो प्रधानमंत्री मोदी पहले प्रधानमंत्री थे जो यहां पे गए थे। इनमें से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र, जो एक हाथ में पकड़ा जाता है और दूसरे से बजाया जाता है? यह है डफली। चार ऑप्शन है, तबला, संतूर, मृदंगम या डफली। तो डफली को एक हाथ से पकड़ के दूसरे से बजाया जाता है। इनमें से जो पांडा जानवर होता है, जायंट पांडा, वो जो भी भोजन खाता है तो उसका 90% हिस्सा किस चीज का बना होता है? जो भी उसकी डाइट होती है ये बनी होती है बैम्बू की। बैम्बू को ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है, ग्रीन गोल्ड। और 12 से 38 किलो हर रोज बैम्बू खाता है जायंट पांडा। इनमें से कौन सा भारत का शहर है जिसने अपनी एक दूसरी राजधानी अनाउंस करी 2017 में? दूसरी राजधानी इनकी है धर्मशाला और पहली है शिमला। तो दूसरी राजधानी धर्मशाला अनाउंस करी इन्होंने, यह है हिमाचल प्रदेश। इनमें से कौन सा कॉलेज है जहां पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपनी आखिरी स्पीच दी? इनफैक्ट स्पीच देते देते बीच में ही इनकी तबीयत खराब हो गई थी और फिर हॉस्पिटल इनको ले जाया गया जहां इनका निधन हो गया था। यह है IIM शिलोंग। IIM शिलोंग। भगत सिंह ने अपने जीवन के आखिरी दिन, यानी जब इन्हें फांसी हुई थी, उससे एक दिन पहले एक किताब पढ़ी थी। तो ये किताब जो है
ये कौन से रेवोल्यूशनरी थे जिनकी आइडियोलॉजी के ऊपर पढ़ी थी? इनका नाम था व्लादिमीर लेनिन। कौन से एयरफोर्स ऑफिसर हैं जिनको ये सम्मान मिला है कि 15 अगस्त 1947 को जो फ्लाई पोस्ट थी उसका नेतृत्व इन्होंने किया था लाल किले में? तो ये सम्मान किसको मिला था? ये मिला था अर्जन सिंह को। और अब आज का आखिरी सवाल, अगर हम गाड़ियों की बात करें तो इनमें से कौन सी चीज है जो रात को यूज की जाती है? हॉर्न, हैंड ब्रेक, ये एडवाइस किया जाता है कि इस चीज को रात को यूज करो, डिपर या पावर विंडो? तो आंसर है डिपर। डिपर का इस्तेमाल रात्रि में, क्योंकि शांति होती है तो ध्वनि प्रदूषण ना हो, इसके लिए डिपर का इस्तेमाल किया जाता है। सो ये था केबीसी का सेट नंबर 7। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं मैं सेट नंबर 8 भी बनाऊं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।